खाशरौद में एक साल पहले करोड़ों की लागत से बना अस्पताल अपनी बदहाली पर आंसू रो रहा है। इस पर एक रिपोर्ट हिंदी खबर ने तैयार की है, देखिए। उज्जैन में स्थित खाशरौद के सिविल अस्पताल की तस्वीरें देखिए। कहने को तो इस अस्पताल का करीब एक साल पहले ही केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने लोकार्पण किया था, लेकिन करोड़ों की लागत से बना अस्पताल अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। कहीं दीवारों में दरारें पड़ गई हैं, तो कहीं दीवारों की पपड़ी निकल गई है। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, सिर्फ एक डॉक्टर ओपीडी संभाल रहा है, जिसके कारण मरीजों को आए दिन अस्पताल से बाहर रेफर करना पड़ता है। वहीं जब घटिया निर्माण की जांच पर गृह मंत्री बाला बच्चन से सवाल पूछा गया तो वो भी जवाब देने से बचते नजर आए। अभी हमने करीब 1000 डॉक्टरों के भर्ती का किया है। अभी हम विधायक जी और हम दोनों मिलकर तुलसी सिलावट जी से करोड़ का भवन आज खंडन हो चुका है। आज जो हॉस्पिटल बना है सर, जो हॉस्पिटल बना है वो इतना घटिया स्तर का और इतना घटिया सामग्री बना है, एक साल हुआ है। भले ही राज्य एवं केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा को आम लोगों तक पहुंचाने का दावा करती रहती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। सवाल उठता है कि आखिर इस नवनिर्मित अस्पताल की जर्जर हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या प्रशासन अपनी गहरी नींद से जागेगा या खाशरौद का सिविल अस्पताल यूं ही भगवान भरोसे चलता रहेगा? इरफान अंसारी, उज्जैन, हिंदी खबर। उधर उज्जैन के उन्हेल में एक